आ गया। ओम ज्ञान तिमिरम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों स्वरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग दो दिन तक श्री नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हुआ, नवद्वीप धाम का क्या स्वरूप है, हम इस विषय पर अनंत संहिता में जो कथा कही गई थी हम लोगों ने श्रवण किया है। आज हम लोग श्रवण करेंगे जो नवद्वीप धाम की इतने महिमा क्यों है और ये नवद्वीप धाम है क्या चीज। कहते नवद्वीप मतलब हम लोग ने पहले श्रवण किया है राधा रानी ये अपना हृदय से ही कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने कुंज बनाया, इसलिए जैसे से राधा रानी के हृदय से निकली इसलिए राधा रानी जैसे दयालु है वैसे नवद्वीप धाम भी वैसे ही दयालु है। जैसे नवद्वीप धाम में अगर कोई जाए वहाँ पर कोई नवद्वीप धाम का कोई परिक्रमा लगाए वहाँ के चमनी पर कोई लौट पोट खाए, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हरि बवामी प्रणय भकत संगे शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूला। इसलिए भक्तिमय ठाकुर कहते हैं धाम दर्शन कर तो आंखों से नहीं कानों से दर्शन करनी चाहिए। इसलिए गौरव अमार ये सब स्थानीय करल भ्रमण रंगे श्रीमन महाप्रभु ने जहाँ जहाँ पर उन्होंने लीला की है कहते से सब स्थान हरि व आमी प्रणय भक्त संग। कहते नियम है प्रेमी की भक्तों को साथ में उस स्थान को दर्शन करनी चाहिए, अगर दर्शन नहीं करेंगे तो नहीं तो हमें पेड़ पौधा और जमीन जगत यही दिखेगा और हमें कुछ भी दिखने वाले नहीं। कभी कभी भी हम लोग अपराध भी कर बैठते हैं धाम का प्रति, क्योंकि धाम में कभी कभी नवद्वीप धाम को कहते जगाई मधाई का देश है, जगाई मधाई जैसे थे अभी भी वहाँ के लोग मांस मछली दारू पीते हैं, काली की रासलीला निकालते हैं, हैं बड़े तामसिक भी होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं। अगर ये सब चीज को देखेंगे तो फिर हमारे क्या होगा, धाम का प्रति हमारे अपराध हो जाएगा, अरे धाम ये सब चीज हो रहा है। लेकिन जब वैष्णव का अनुगत्य में हम जाएंगे वो लीला स्थली में बैठ करके वहाँ की कथा सुनेंगे फिर तो वो स्थान के महत्व हमें पता चलता है। इसलिए जो नवद्वीप धाम है इनको ये बताए जैसे ये नव विद्या भक्ति स्वरूप है। हम लोग श्रीमद् भागवत में जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पूछा बोले प्रहलाद ये बताओ तुमने जो गुरु गृह में गए था
तुमने गुरु जी ने तुम्हें क्या पढ़ाया, उसमें जो उत्तम विद्या, ये उत्तम विद्या की बात बताओ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतनवलक्षणा क्रियते भगवत अध्यातन्मन्येऽधीतमोत्तमम्। बोले पिताजी, जितने विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या है, पहले गुरु जी के चरण में आत्मसमर्पण करके हैं, पहले ठाकुर जी के चरण में आत्मसमर्पण करो हैं, पहले आत्मसमर्पण करके फिर क्या करो, ये जितने सारे श्रवण कीर्तन भक्ति की अंग को जाजन करनी चाहिए। नहीं तो वो जो भक्ति है, कहते वो आरभ सिद्धा और संग सिद्धा भक्ति हो जाएगी, फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं होगी, हाँ उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहेंगे। इसलिए पहले स्वयं को, स्वयं जैसे किसी गैया को जब हम बेच देते हैं, वो गैया दूसरे की हो जाता है, वो खूंटा में बांध कर रखे, खिलाए मारे जो कुछ है वो उसको पर निर्भर करता है। उसी तरह हम जब गुरु वैष्णव के चरण में शरणागत हो जाते हैं, जब उनकी बन करके जब हम कोई भक्ति करते हैं, फिर तो वो भक्ति जा करके शुद्ध भक्ति होता है। अगर उनकी बन करके अगर स्वयं जैसे हम जत करोसी जत स्नासी जत जोसी ददास जत जत तपस्वी कौंतीय तदकुरुष मदर्पण, पहले जो भक्ति करते हैं कुछ लोग, पहले तो सारे कुछ कर लेते हैं, वो सब कुछ करके ठाकुर जी हमने ये सारे काम किया और ये चीज मैं तुमको अर्पण करता हूँ, फिर तो ये शुद्ध भक्ति ये नहीं होता है, हैं? ये शुद्ध भक्ति नहीं होता है, ये आरभ सिद्धा भक्ति हो जाता है, हैं? इसलिए शुद्ध भक्ति उसे कहते हैं, पहले हम गुरु वैष्णव ठाकुर के चरण में समर्पित जब हो जाएंगे, फिर हमारे किया हम अपना नहीं रह गए। अभी गुरु वैष्णव जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे, अभी हम ठाकुर जी का ही बन गए। जब ठाकुर जी के बन गए, अभी हमारी जितनी सारी क्रिया है सब कुछ ठाकुर जी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम उनके चरण में समर्पित हो गए। फिर हमको कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति छोड़कर और हमें कुछ नहीं करनी चाहिए, क्यों उनने बिक गए उनके पास में। इसलिए ऐसे करके जब वो भक्ति करते हैं, कहते फिर जा करके वो भक्ति शुद्ध भक्ति होता है, नहीं तो भक्ति फिर विधा भक्ति हो जाएगा, फिर शुद्ध भक्ति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं जो श्रवण कीर्तन विश्व जो नव विद्या भक्ति है, वहां पर कहते हैं प्रहलाद महाराज, नौ नहीं, अगर कोई एक भक्ति के अंग भी कहते निष्ठापूर्वक जाजन कर लेगा तो क्या होगा, बस उस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहते एक अंग साधे कोई बहु अंग, कृष्ण प्रेम उपजय निष्ठारिता रंग। लेकिन भक्ति व प्रेम कैसे होगा, कोई एक अंग साधन करता है, नहीं तो कोई बहु अंग साधन करता है, लेकिन जो प्रेम जो प्राप्त होता है वो निष्ठा के ऊपर में। अगर हमने सारे भक्ति का अंग साधन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर में निष्ठा नहीं, भैया प्रेम नहीं होगा। लेकिन अगर हमने एक ही भक्ति अंग अगर सही सही जाजन करते हैं, अगर निष्ठापूर्वक करते हैं, हम भगवत प्राप्त हो जाएगी। जैसे श्रवणों के द्वारा किसने प्राप्त किया था, परीक्षित महाराज, और उन्होंने कुछ ही नहीं किया, केवल भागवत कथा ही सुने, कथा सुनते 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 भगवत लोगों को बस राधा रानी की दासी बन करके गोलोक वृंदावन से रथ आया, उसमें दासी बन करके सीधा राधा रानी के चरण की सेवा में चले गए। कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने और कुछ नहीं किया, केवल भगवत कीर्तन ही किया, कीर्तन करते 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 उनको भगवत प्राप्ति हो गया। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, स्मरण के द्वारा प्रहलाद महाराज बस दिन रात भगवत स्मरण करते थे, बैठी करके भगवत स्मरण करते थे, और भगवत स्मरण करते 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 ही उनको भगवत प्राप्ति हो गया। श्रवण के विष्णु पाद सेवन कौन है, लक्ष्मी, बस दिन भर भगवान ठाकुर जी के चरण को गोद में लेकर के दिन भर चरण की सेवा करती, इससे भगवत प्राप्ति हो गई। अर्चनम प्रथु महाराज, बस दिन भर ठाकुर की अर्चनी करते थे, अर्चनी करते थे, इसलिए उनको अर्चन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो गई। अर्चनम वंदनम बोलो अक्रूर जी, इसलिए उन्होंने जब आए कहाँ से, मथुरा से जब कृष्ण को लेने के लिए आए,
नंदगांव में, जब नंदगांव को बाहर में देखा, कृष्ण जहाँ गोचारण करते हैं वहां पर भगवान के सुंदर सुंदर चरण का छाप पड़ा हुआ भास, वहीं पर भगवान चरण की महिमा को उन्होंने गाना शुरू कर दिया भगवान के, और उस चरण के ऊपर लौट पोट खाने लग गए। बोले जिस चरण को पाने के लिए लक्ष्मी भी बिहाय कामान सुचिर धृत व्रता, सारी कामनाओं को छोड़ करके, वैकुंठ छोड़ करके क्या कर रहे हैं अभी वृंदावन में, वो तपस्या कर रहे हैं जिनकी चरण को प्राप्त करने के लिए दुर्लभ ये चरण है। हैं बोले जपद लागिया ब्रह्मा तपस्या करिला, जिस पद को पाने के लिए ब्रह्मा जी तपस्या की, लक्ष्मी इतने कष्ट कर रही हैं, और नारद जिस चरण को हृदय में धारण करते हैं, हैं ऐसे भगवान की चरण की महिमा है। बस वहां पर उन्हें लोट पोट खाने लग गए। इसे पाद सेवन अर्चन बंदनम दास्य दास्य में हनुमान जी हैं, इसलिए दिन भर रामचंद्र की दासोत्व चरण की सेवा करते हैं, कंध पर बैठा कर ले जाते हैं, उनको म्यास जर है, हर हर तरह से हनुमान जी क्या करते हैं, प्रभु राम की सेवा करते हैं। कहते सख्य में कहते अर्जुन हैं, कृष्ण का अर्जुन जिसको उपदेश करके उन्होंने भगवत गीता को उन्होंने दान की, और स्वयं सारथी का काम उन्होंने भगवान ने किया है। दास्य सख्य आत्मनिवेदनों में कहते श्री बलि महाराज कहते उन्होंने नव विद्या भक्ति को, कहते एक एक भक्तों ने उसको जाजन करते हुए उन्होंने क्या किया, भगवत प्राप्त कर लिया। कहते जो व्यक्ति श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं, कहते एक एक जो दीप है और एक एक भक्ति का वो अंग है, हैं एक एक दीप एक एक भक्ति का अंग है। अगर कोई नवद्वीप धाम परिक्रमा कर लिया ना, उसको क्या हो गया, सारे नवदा भक्ति जाजन हो गया, सारे नवदा भक्ति उसको प्राप्ति हो गया। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते थे, बोले पार्वती दूसरे दूसरे धाम को कोई करोड़ों करोड़ बार कोई परिक्रमा करे, जो उसको फल की प्राप्ति होगी अगर गुरु वैष्णव के अनुगत्य में से नवद्वीप धाम कोई परिक्रमा करे, तो उससे करोड़ों गुण जिसको उसको भक्ति मिलेगी। इतने नवद्वीप धाम की महिमा है। बोले श्री नवद्वीप धाम की जय। इसलिए कहते जो नवद्वीप जो धाम है, कहते जैसे महाप्रभु अभिन्न है ना, भगवत अभिन्न ये भगवत धाम है, हाँ इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरव प्रेम रसार नवे से तरंगे जे बाडूबे से राधा माधव अंत रंग। कहते गौरव प्रेम रसार नवे से तरंग जे बाडूबे, महाप्रभु की प्रेम रस रूपी तरंग में जो डुबकी लगाते हैं, कहते श्री राधा माधव अंतरंग, अपने आप राधा माधव की प्रेम उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए दास्य रस में तो उपासना होता है किसको, महाप्रभु को, लेकिन जो निकलेंगे ना वो श्रृंगार रस में, महाप्रभु को उपासना और कोई रस नहीं होता है, सख्य रस से नहीं, मधुर रस से नहीं, उनको शांत रस से नहीं, बात्सल्य रस नहीं, उनको केवल दास्य रस में उनकी उपासना करते हैं। लेकिन दास्य रस में तो उपासना करेंगे, लेकिन प्राप्त किया होगा उसको राधा कृष्ण की प्रेम रस में, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कौन है, राधा भाव दूत सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, जो कृष्ण स्वयं श्री राधा रानी की भाव अंगकांति लेकर के जगत में वो आए हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जैसे महाप्रभु दयाल हुए, अभिन्न धाम भी दयाल हुए। इसलिए जो व्यक्ति नवद्वीप धाम का परिक्रमा करते हैं, जैसे कृष्ण ने अपराध को देखा, कोई अगर अपराध किया, जैसे ब्रह्मा जी ने अपराध किया, माफी मांगने के लिए आए, हाँ तो वही हो जो मेरे बछड़े और सखा को तुमने चोरी करके ले गया था, हाँ और हमसे हमसे तुमने बिछोड़ दिया, भक्तों को हमसे तुमने क्या क्या कर दिया, हमसे अलग कर दिया। इंद्र जब आए बोलो ओ तुम वही हो, हैं हमने गिरिराज पूजा कराया तो हमारे ऊपर तू बिगड़ गया, और तुम सात सात दिन तक बरसात किया तुमने, तुम वही हो ना। इसलिए उनको याद था, याद होने का नाते इसलिए उन्होंने माफी तो मांगे, अभिषेक तो किया, भगवान को तो चरण में गिरे, लेकिन उनको पता चला ठाकुर हृदय से हमारे ऊपर में खुश नहीं, इसलिए क्या उन्होंने देखा क्या करनी चाहिए क्या करनी चाहिए। फिर उनने देखा यही कृष्ण महा यही
कृष्ण ही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में श्री नवद्वीप धाम में आएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए ब्रह्मा जी जाकर के कहाँ तपस्या की, अंतरद्वीप में। अंतरद्वीप कहाँ है, कदे से मायापुर है, हैं महाप्रभु का था जहाँ जन्म थे, योग पीठी है, उन्होंने वहीं पर उन्होंने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी जब तपस्या की तब श्री सचिनंदन गौर हरि स्वयं उनका दर्शन दिया और दर्शन दे करके अंतर की बात बताई, इसलिए उसका नाम है अंतरद्वीप। अंतरद्वीप इसलिए महाप्रभु ने अपना अंतर का, अंदर का बात उन्होंने उनको बताए, हैं अंदर का बात उन्होंने बताए, मैं यहीं पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में जन्म लूंगा, लेकर के सब सर्वत्र में हरिनाम प्रचार करूंगा और तुम मेरे को मदद करना। इसलिए तुम किस रूप में आओ, बोलो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर रूप में आओ। और तीन तीन लाख उन्होंने हरिनाम किया, प्रहलाद और ब्रह्मा दोनों मिलकर के श्री कौन हरिदास ठाकुर बन करके आए। और तुम सहन शक्ति भजन करने के लिए कहते ना, जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए तुम ये सिखा देना भक्ति करने के लिए कितने सहन शक्ति की जरूरत है। तुम ये सब चीज को सिखा देने के लिए किस रूप में आओ, हरिदास ठाकुर रूप में आओ और तीन तीन लाख हरिनाम करो और तुमने ये दिखाओ भगवान का नाम में कितने शक्ति है। इसलिए लख्य हीरा वैश्या भी आया है, उन्होंने क्या किया, बोले सही वैश्या हो परम महंती बड़ा बड़ा वैष्णवतार दर्शन थे जानती। हरिदास ठाकुर को तीन रात तक कोशिश की उनको पतन करने के लिए, लेकिन स्वयं पतन हो गई, हैं स्वयं पतन हो गई। और उनने हरिदास ठाकुर दो दिन तक तो उन्होंने इधर उधर किया हाव भाव, तो तीसरे दिन में चुपचाप बैठ गई और हरिकथा सुनने लग गई, हरिनाम सुनने लगे और लास्ट में हृदय परिवर्तन हो गया उसकी। हृदय परिवर्तन हो गया तो उन्हें रोने लग गई, मेरे को रामचंद्र खान ने भेजा था आपको जगत में नीचा दिखाने के लिए, मेरे चक्कर में फंसाने के लिए, हैं आप तो बहुत बड़े संत हो, मेरे ऊपर में कृपा करो, मेरे को आशीर्वाद करो। हरिदास ठाकुर क्या बोले, बोले मेरे को सब कुछ पता था, तुम कहाँ से क्यों किस लिए आए मेरे को पता था, पहले रात में चले जाता यहाँ से, लेकिन जगत में दिखाना चाह भगवान का नाम में कितने शक्ति, संतो संग में कितने शक्ति जगत को दिखाना था, इसलिए मैंने तेरे लिए ही मैंने यहाँ पर तीन दिन जगह इंचार्ज कर किया है, जाओ सारे पैसा को लुटा करके आ जाओ, जो उल्टा पुलटा काम से तुमने जो पैसा कमाए लुटा पुटा कर आ जाओ, एक कपड़ा पहन करके आओ, गंगा में नहा करके आओ और तेरे कुटिया दे जा रहा हूँ, ये तुलसी पौधा दे जा रहा हूँ, इनकी तुम सेवा करो और दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस उनको परिवर्तन कर दिया, कह दो जो वैश्या इतना बड़ा महांती, महांती मतलब जिसके मोह अंत हो गया, सही वैश्या है परम महांती, सारे मोह दूर हो गया और बड़ा बड़ा वैष्णव तार दर्शन तो जानती, मतलब बड़े बड़े वैष्णव जिनको दर्शन करने के लिए जाते थे, हाँ ऐसे लख्य हिरे विशा अभी भक्त बन गई, हैं भक्त बन गई और सारा दुनिया से दान दक्षिणा इतने आने लग गए, बोले खाने पीने का कोई चिंता मत करो, यहाँ पर बैठो, बैठ करके भगवान का नाम जप करो, खाने पीने का कोई चिंता मत करो, जब भगवान की भजन करते हैं ठाकुर किस चीज़ की कमी नहीं रखते हैं, किस चीज़ की ठाकुर जी कमी नहीं रखते हैं, बैठ करके बोले हरिनाम करो। बस सारा दुनिया लोग इकट्ठे हो गए दर्शन करने के लिए, क्या इधर सारे सामान को कपड़ा लता खाने पीना ला कर एकदम भर दिया पूरा के पूरा, हैं भर दिया पूरा के पूरा, उतना रखती थी जितना जरूरत, और सबके सबको उन्होंने प्रसाद रूप में लुटा देते थे। इसलिए भगवान भजन करने से ठाकुर जी किसी चीज़ की कमी नहीं रखते थे। यहाँ पर रोज रोज भंडारा हो रहा है, एक एक व्यक्ति एक संसार में पति भी काम करता है, पत्नी भी काम करती है, बेटा भी काम करता है, करते हुए भी घर की हैं खर्चा नहीं चला पा रहे। देखो यहाँ पर कितने कितने लोग क्या प्रसाद कल प्रसाद क्या बनाए थे, हैं पनीर सब्जी, मटर पनीर चकाचक और मिक्स वेज एकदम पूरा डीप फ्राई करके, आलू का भी बंदा, मीठा चावल श्रीकांत प्रभु ने बनाए थे, अरे हमारे चावल और गर्म गर्म पूरी चकाचक,
इसलिए कहते भगवान की भजन करने से ठाकुर जी किसी चीज की कमी नहीं करते हैं, हर चीज भर देते ठाकुर जी। इसलिए कहते इन्होंने कहते महाप्रभु का धाम दयाल धाम है, कृपालु धाम है, इसलिए ब्रह्मा जी फिर हरिदास ठाकुर बन करके आए नवद्वीप धाम में और उन्होंने सहन शक्ति को सिखा दिया है। इसलिए कहते हैं और क्या सिखा दिया, बोले जा तो क्यों निरर्थक यह बुझाईते हरिदास जन्म लेन जवन कुल थे। उन्होंने जवन कुल में क्यों जन्म लिए, कहते जो जाति जो कुल है ये निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको समझाने के लिए कि जय भजे सही बड़ा अभक्त हिनचार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। भगवान की भक्ति में जात पात पूछना कोई, हरि का भजा सो हरि का हो। ये चीज को सिखाने के लिए हरिदास ठाकुर जी क्या किए, एक जवन कुल में जन्म ग्रहण किया। दूसरा सिखा दिया उन्होंने जगत में सहन शक्ति को उन्होंने सिखाया। जो भजन करना चाहते हैं अगर थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध आ जाए, दिमाग गर्म हो जाए, फिर भजन क्या करोगे, दिन भर तो उसी में ही डमे रहोगे, इसलिए भक्ति कर ही नहीं सकते हो। दिमाग गर्म हो तो उसी में ही लगे रहोगे। इसलिए उनने ये चीज को उनने सिखा देने के लिए आए नहीं। बाईसी बाजार में पिटाई हो गई, बाईसी बाजार में पिटाई हो गई, लास्ट में वो क्या कहते हैं, बोले भगवान बड़े दयालु है कृपालु है, मैंने इन्हीं कानों से भगवान की बुराई सुना है ना, इसलिए ठाकुर जी मेरे को थोड़ी सी दंड देकर छोड़ दिया। ज्यादा बाईसी बाजार में पिटाई हो गई, लेकिन बाईसी बाजार में पिटाई होने का बावजूद भी क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी दयालु है मेरे को थोड़ी सी दंड देकर छोड़ दिया। क्यों, ये भक्त लोग होते ना कभी किसको पर दोष नहीं लगाते, अरे उसकी वजह से ऐसे हुआ, उसने ऐसे कर दिया मेरे लिए, उसने ऐसे कर दिया। भैया कोई किसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, स्वकर्म फल भी पुमान, जीव अपना कर्म का फल ही जीव वो करता है, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए तत्व अनुकंपा सुषमिक समान भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम, अपना किया हुआ कर्म का फल हम भोग करते हैं। भक्तों का ये विचार है, हैं? इसलिए त्रिनादपि जो सुनिचन तररपि सही सुनना अमानीनांग मान देन कीर्तनीय सदारी। कदि अगर ये श्लोक अगर संपूर्ण रूप में किसको पर लागू होता है ना, हरिदास ठाकुर को, सचमुच से उनने कैसे तीर्ण से भी दीनहीन होकर के, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होकर के, सबका सम्मान दे करके है, कभी इज्जत की कामना नहीं की, भजन किया। कदि ये श्लोक का पूर्ण जो प्रतिमा स्वरूप श्री हरिदास ठाकुर जी है, इसलिए उन्होंने क्या किया, नवद्वीप धाम में आकर उन्होंने भजन किया। भजन करने पर सारे अपराध उनको दूर हो गया, सारे अपराध उनको दूर हो गए, क्षमा हो गई, भगवान ने सारे अपराध से माफ कर दिया है। और उन्होंने लास्ट में क्या किया, भगवान ने स्वयं जिनको गोद में, केवल उन्होंने दो व्यक्ति को गोद में उठाकर लेकर गए, किसको, महाप्रभु ने, और किसको गोद में लिया, उन्होंने काजी को भी लेकर गए, चांद काजी को, उन्होंने जाकर के महाप्रभु स्वयं समाधि दिया है, समाधि देकर के उसको ऊपर में चंपक जो डंडा गाड़ दिया, तो अभी वो वृक्ष विशाल वृक्ष है, हैं? हरिदास ठाकुर गोद में क्यों लेकर गए, उन्होंने दिखा दिए जो जीवन सारा हरि नाम करते हैं, जो जीवन भर हरि का मेरे नाम लेते हैं, और अंतिम समय में मैं स्वयं उसको मैं गोद में उठा कर ले जाता हूँ। और उन्होंने समुद्र स्नान कराया, बोले समुद्र अभी तक तो केवल तीर्थ था, लेकिन हरिदास ठाकुर का स्पर्श से तो महा महा तीर्थ हुआ। लेकिन साधारण लोग क्या होता है, कोई शरीर जब छोड़ देता है छूने पर स्नान करना पड़ता, लेकिन भक्तों का शरीर दिखाया कैसे अपराकृत दिव्य है, शरीर छोड़ने का बाद में भी कहते तुम अभी तक तीर्थ था, लेकिन अभी तुम महातीर्थ हो गया, महातीर्थ हो गया। भगवान स्वयं जिनके शरीर को समाधि दिए, और स्वयं स्वयं जिन्होंने उनकी के लिए भिक्षा मांगे ठाकुर जी, मतलब कितने बड़े काम किया, भिक्षा मांग करके महाप्रभु अपने हाथों से वैष्णव खिलाए। महाप्रभु स्वयं दिखाई पड़ता है जीवन में, एक बार दिखाई पड़ता है महाप्रभु अपना हाथों से भक्तों को बैठा कर खिलाया है। और महाप्रभु हाथ तो छोटे मोटे हाथ नहीं, बस ऐसे हाथ डुबो करके चावल पूरा के पूरा उठा करके पूरा पूरा चावल दे रहे थे, खाओ जगन्नाथ का दाल भात सब्जी, हाँ चकाचक भोजन कर महाप्रभु। लास्ट में क्या बोले, हरिदास ठाकुर का निर्जन में जो रेती केवल दिया, जो केवल प्रसाद पाया, अचिरात उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई, आशीर्वाद। इसलिए नवद्वीप धाम में उन्होंने आकर कैसे उन्होंने भजन किया
हरि नाम किया तो महापुरुष जिनके लिए सब कुछ महापुरुष सब कुछ किया है। मतलब इंद्र ने भी अपराध की, लेकिन उन्होंने देखा भैया कैसे अपराध से माफ हो गया, हम तो गड़बड़ कर दिया हैं। सात सात दिन तक बारिश किया, गिरिराज को कष्ट दिया, सारे भक्त लोगों को कष्ट दिया, अपराध कैसे होगा। फिर उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा महाप्रभु कलयुग में श्री नवद्वीप धाम में आएंगे, इसलिए उन्होंने जहाँ पर गोद्रुम, हाँ गोद्रुम, गो मतलब होता है गाभी, ध्रुव मतलब होता है बट वृक्ष, वहाँ पर हैं, इसलिए वहीं पर इंद्र फिर सुरभि गाभी के आनुगत्य में, क्यों माँ है ना, इसलिए सुरभि गाभी के आनुगत्य में उन्होंने, कृष्ण गोपाल है, गैया को प्रेम करते हैं, उनके आनुगत्य में उन्होंने वहीं पर उन्होंने भजन किया, और भजन करते हुए उन्होंने उन्होंने सब कुछ महाप्रभु लीलाओं को सब कुछ उन्होंने दर्शन किया है, और वहीं पर जाकर इनके सबके सारे अपराध कहाँ पर नष्ट हुआ, नवद्वीप धाम में नष्ट हुआ है। इसलिए कहते हैं अगर कोई नवद्वीप धाम में जाए हैं, वहाँ परिक्रमा करे, हमने देखा पहले तो कुछ लोग पहले जाना नहीं चाह रहे थे, अरे कहाँ जाएंगे, पेड़ पौधा जंगल कहाँ, इतना लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन देखा एक बार जो चला गया ना, दो बार रुक नहीं पाते, जो एक बार चला गया नवद्वीप धाम में, हाँ जो परिक्रमा किया भक्तों के साथ में ना, उनके मन में खिलबिल मचता है, नवद्वीप धाम में चलो, परिक्रमा में चलो, धाम परिक्रमा का समय आ गया ना, परिक्रमा में चलो। इसलिए किंतु कि वहाँ जो धाम है ना, बड़े दयालु धाम, बड़े कृपाल, बड़े दयालु वहाँ पर धाम है, इसलिए कहते हैं नवद्वीप धाम की बड़ी महिमा है, जैसे महाप्रभु दयालु कृपालु है, कहते ये धाम भी दयालु और कृपालु, ये धाम भी दयालु और कृपालु है। इसलिए वहाँ पर जो गंगा देखे हो ना, जैसे वृंदावन में जैसे हमारे यमुना वो टेढ़ी मेढ़ी है, वो किसी तरह से देखना वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहती, वो चार तरफ पे घेर 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 करके इधर उधर किसी तरह से वृंदावन धाम को वो छोड़ना नहीं चाहती, उसी तरह से गंगा भी किसी तरह से नवद्वीप धाम को छोड़ना नहीं चाहती है, वो भी टेढ़ी मेढ़ी रूप में वहीं पर बहती रहती है, क्यों, महाप्रभु का धाम है, ये महाप्रभु की धाम है। इसलिए जैसे यमुना, कृष्ण यमुना में जल विहार किया तो कहती ये गंगा है छोटी बहनी, यमुना बड़ी बहनी को बताए, तू देख कितने भाग्यवती हो, वृंदावन में तुमने जन्म लिया, वहाँ पर कृष्ण तुम्हारी जल विहार करते हैं, ठाकुर जी सब कुछ नौका विहार सब कुछ यमुना में, तुम कितने सौभाग्यवती स्नान करते हैं। लेकिन यमुना क्या कहती, बोले गंगा कोई चिंता मत करो, यही कृष्ण ही कलयुग में श्री नवद्वीप धाम में जन्म ग्रहण करेंगे, और तुम जल में भी वो विहार करेंगे। इसलिए महाप्रभु जब जल विहार करते थे क्या होता था, गंगा स्वयं अपना लहरी के माध्यम से महाप्रभु को, जैसे समुद्र का पानी होता है ना, लहरी के माध्यम से महाप्रभु को उन्होंने बड़े सुंदर में तैराया करता था, है इसलिए तैराया करता था। इसलिए कहते श्री नवद्वीप धाम की बड़ी बड़ी महिमा, नवद्वीप धाम की, नवद्वीप धाम की परिक्रमा करने से सारे अपराध भंजन पाठ वहाँ पर है, और अनायास ही महाप्रभु का जो प्रेम, जो परिक्रमा करते हैं उसको गौर प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल हम लोग सुनेंगे, परिक्रमा तो करनी चाहिए, लेकिन परिक्रमा का भी कुछ नियम होता है, हैं? कुछ नियम, किस नियम से धाम में परिक्रमा करने से उसको भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, हम उन नियम को कल हम लोग उन नियम को श्रवण करेंगे।